मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को आगे कंटिन्यू। जो मैंने लास्ट टू लेक्चर ले चुका हूँ मेरे बच्चे, उनके अंदर हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी वो भी ज़रूरी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी ज़रूरी थे, एंगल ऑफ एलिवेशन को देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन को देखा, टॉप ऑफ द टावर, बॉटम ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द स्टैचू, बॉटम ऑफ द स्टैचू, ये सारी की सारी चीज़ें देखी हमने। और ये भी देखा कि ये चैप्टर हमारी लाइफ में कहाँ पे यूज होगा। इसके बाद आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो मेरे बच्चे, मैं सिलेबस को बहुत धीरे लेके चल रहा हूँ, अगर तुम रियलिटी में पढ़ोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें। चलो देखते हैं मेरे बच्चे। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो क्या कह रही है? यू टीच माई एप्लीकेशन, कि आपको मेरी एप्लीकेशन को टीच करना है, मतलब हम एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। गिवन क्या होगा इसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री क्या कह रही है, मैं वो चीज़ बता रहा था मेरे बच्चे। टीच माई एप्लीकेशन, गिवन क्या है? वन एंगल एंड वन साइड। जो अब इस चैप्टर के अंदर गिवन होगा ना मेरे बच्चे, वो तुम्हें एक एंगल गिवन होगा, कौन सा एंगल? 90 डिग्री के अलावा। और तुम्हें एक साइड गिवन होगी, सिर्फ ये दो चीज़ें गिवन होगी। और मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि ये चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा साइड करता है, साइड करने का मतलब उसकी इंपॉर्टेंस को ख़त्म करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर मेरे को एक एंगल दे रखा है, ये 90 डिग्री का है, ये एंगल दे रखा है और ये साइड दे रखी है, मतलब मैं इस एंगल की बार बार बात नहीं करूँगा, मैं ये बोलूँगा एक एंगल दे रखा है तो थीटा समझ जाना, और एक साइड दे रखी है मतलब एक एंगल और एक साइड दे रखी है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, हम ऐसे बोलेंगे, तो हमारे को तीनों के तो तीनों एंगल पता चल जाएंगे और तीनों की तीनों साइड पता चल जाएंगी। अब देखो ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल के आ जाएगा, ठीक है। बट एक साइड देने से दो साइड कैसे निकल के आएंगी? वो ट्रिग्नोमेट्रिक से ही निकल के आएंगी। कौन सी? ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन से। जो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है, हाइट एंड डिस्टेंस की लगाएंगे हम और फिर कर पाएंगे। चलो देखते हैं मेरे बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई एक ट्रेंगल दे रखी थी, ये इसका हमारे को साइड निकालनी थी, तो मैंने तुम्हारे लिए एक सिंपल सा मेथड निकाल दिया मेरे बच्चे। जो साइड निकालनी है, मतलब जो गिवन साइड है वो ऊपर आएगी टॉप में, जो साइड निकालनी है, ठीक है, जो गिवन है नहीं मेरे बच्चे, जो साइड निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, मैं बाय मिस्टेक गिवन बोल दिया, जो साइड फाइंड आउट करनी है वो साइड ऊपर आएगी। जो साइड गिवन है, मतलब ये गिवन थी, ये पूछ रहा है कि इस साइड की लेंथ बताओ, तो ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना देंगे उसके इक्वल टू में। अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन से हमारा बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे और हम इजीली कर पाएंगे। अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टेबल याद नहीं है तो तुम इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, तुम चैप्टर क्वेश्चन को हाफ करके ही, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया हुआ लेकिन हाफ करके ही छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। हमारे पास ये एक ए बी सी ट्रायंगल दे रखी है मेरे बच्चे। इस ट्रायंगल के अंदर गिवन है हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी, गिवन है बी सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, ये बी सी है, बी सी ये 20 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी हमें नहीं पता कौन बेस कौन परपेंडिकुलर है। ये एंगल जो है बी है वो 90 डिग्री है, एंगल सी जो है वो 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। अब हमारे को इस ट्रेंगल के बारे में ये तो पता चल गया। अब सोचो मेरे बच्चे, अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो मैंने बताया जो एंगल गिवन में है उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, और जिसके ऊपर दो एंगल टिके हुए होते हैं वो बेस होता है, तो ये तो बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज होना ही था, ये तो हम जानते ही हैं। अब हमारे को इसने बोला कि फाइंड करना है एंगल ए, फाइंड आउट करो, ए बी साइड का पता लगाओ, ए बी साइड का पता लगाओ मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है वो पता लगाओ, ए सी का पता लगाओ मतलब हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है वो पता लगाओ। तो हमारे को यहाँ से देखो मेरे बच्चे, एक तो साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर और एक एंगल दे रखा है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, बाकी की सारी चीज़ें हमें खुद निकालनी है। बात ये नहीं है मेरे बच्चे कि एंगल निकालना ये इंपॉर्टेंस है, ये ज़रूरी नहीं है, बट हम निकाल सकते हैं फिर भी। तो हमें अदर टू साइड का कैसे पता किया करें हम, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हम कैसे निकाल सकते हैं, मेन तो ये है। चलो मेरे बच्चे देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। देखो इसमें सिंपल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस की लेंथ 20 सेंटीमीटर, एंगल सी जो है
एंगल थीटा बोल दो या सी बोल दो, ये सी पॉइंट है तो हमने इसको सी बोल दिया, 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब देखो मैंने तुम्हें जो बताया था उसी के अकॉर्डिंग चलना है। हम सबसे पहले फाइंड करते हैं किस चीज़ को, एंगल ए को बाद में देखेंगे, वो तो हम पता ही है मेरे बच्चे, ये 90 ये 30, तो ये एंगल दे तो 60 आ गया, सीधा सब दिखाई दे रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी से, 60 30 90 प्लस 90 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया। अब बात आती है तीनों के तीनों एंगल मिल गए, ए बी साइड कैसे निकाले, ए बी मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है हमारे को, फाइंड ए बी, मैंने ये इधर लिख दिया है, ये जो जिस तरह से मैंने फाइंड ए बी और मैंने ये लिखा है ना, जो साइड निकालनी है डिवाइड में, जो साइड तुमने नहीं लिखना मेरे बच्चे कहीं पेपर में ऐसे ही लिख दो, तुमने कुछ नहीं लिखना ऐसा, ये तो मैंने तुम्हारे को याद करने का एक तरीका बताया कि तुम्हें याद करने के लिए किस तरह से कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। अब यहाँ पे फाइंड करना है ए बी, तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है, तो जो साइड निकालनी है, जो फाइंड आउट करनी है, वो साइड सबसे ऊपर आएगी, तो ए बी को फाइंड करना था, ए बी निकालनी थी, तो ए बी हमने ऊपर लिख ली। फिर क्या था, जो गिवन में है, जो साइड गिवन में है, गिवन में कौन है, बेस है, बेस कौन है, बी सी, बी सी कितनी है, ये री गिवन में है। फिर क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम क्या करेंगे, ए बी को जो का त्यों लिख लिया क्योंकि ये तो फाइंड आउट करनी है, बी सी गिवन थी, कितनी गिवन थी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बी सी, अब अभी तो हमने बी सी लिख लिया। फिर क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, ए बी क्या था, ए बी क्या था, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, बी सी क्या था मेरे बच्चे, बी सी बेस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर बाई बेस। अब तुम मेरे को ये बताओ कि तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किए थे, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता था, अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो हमारे को यहाँ से ये पता चलता था मेरे बच्चे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा की बात आती थी, ये मान लो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये एंगल दे रखा है 90 डिग्री, साइन थीटा की बात आती थी तो वो क्या होता था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा की बात आती थी या कोस सी या कोस डी कुछ भी लिख सकते हो मेरे बच्चे, थीटा की जगह एंगल को तो तुम चेंज कर सकते हो, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अगर हमारे पास किस चीज़ की बात आती थी, टेन थीटा की बात आती थी, तो वो होता था परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसका उल्टा कॉट हो जाता था, वो क्या होता था, बी बाई पी, और इसका उल्टा सिक हो जाता था, या जिसको हम सिकेंट भी बोल देते हैं, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, और इसका उल्टा कॉसिकेंट, या जिसको कॉसिक भी बोल देते हैं हम, वो क्या हो जाता था मेरे बच्चे, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब तुम्हारे को यहाँ से परपेंडिकुलर बाई बेस मिला, मतलब 10 थीटा मिला, अब यहाँ पे क्या मिला, परपेंडिकुलर बाई बेस मिला, तो 10 सी मिला है वो हमें, तो हमारे को यहाँ पे 10 सी मिल गया। 10 सी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, 30 डिग्री, मतलब एंगल है सी, तो एंगल की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, ए बी, ए बी तो ज्यों का त्यों ले लिया, बी सी की लेंथ 20 सेंटीमीटर थी वो ले ली, इक्वल टू 10 30। अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, ए की एज बी की एज के इक्वल है, बी की सी के इक्वल है, सी की डी के इक्वल है, तो ए और डी भी तो आपस में इक्वल होंगे मेरे बच्चे, तो ए बी बाई 20 मीटर इज इक्वल टू 10 30। अब हमारे को 10 30 की वैल्यू का पता होना चाहिए, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का तो यहाँ पे यूज हुआ, ये यूज हुआ यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, 10 30 की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, 1/√3, ए बी ये ज्यों का त्यों, 20 सेंटीमीटर ज्यों का त्यों, 10 इक्वल टू 10 30 की वैल्यू रख दी 1/√3, इसको मैं उधर ले गया, ए बी को मैंने इधर ही रख लिया, इसको मैं उधर ले गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 20√3 मीटर आ गया, ए बी की लेंथ आ गई, हमने ए बी की लेंथ निकाल ली, ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे बच्चे, 20/√3 मीटर, ये हमारी ए बी की लेंथ आ गई। अब अगर हमारे को ये लेंथ भी निकालने को बोला गया है, ए सी की लेंथ भी निकालने को बोला गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास दो साइड आ गई, अब हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, क्योंकि दिस स्क्वेयर, इसका परपेंडिकुलर का स्क्वेयर, बेस का स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर होगा, इन दोनों के स्क्वेयर को ऐड कर देंगे, उसका रूट कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा इजली। लेकिन हमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन को यूज करना है, तो हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन से नहीं भागेंगे। अब मेरे को मान लो फाइंड आउट करनी है एसी, तो मैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एप्लीकेशन से ही निकालूंगा मेरे बच्चे। लास्ट में तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम से वेरिफिकेशन करके दिखा सकता हूँ, ये कर दूंगा। फाइंड ए सी, ये ए सी है हमारे पास,
फिर क्या है जो फाइंड आउट करना है, मतलब कौन फाइंड आउट करना है, एसी। तो एसी जो गिवन में है, गिवन में अब तुम चाहे तो बीसी ले लो, चाहे तुम्हारा मन करे एबी ले लो। एबी लोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, बीसी लोगे तो अलग चेंज हो जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पे मैंने बीसी ले लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी जो बेस है उसी को ले लिया मैंने जो गिवन था बीसी, तो ये क्या था एसी क्या था हाइपोटेन्यूज, बीसी क्या था बीसी ये बेस, तो मैंने ये बेस लिख लिया हाइपोटेन्यूज बाई बेस। अभी अभी मैंने तुम्हारे को बताया मेरे बच्चे क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, ये रहा हमारे पास हाइपोटेन्यूज बाई बेस, ये रहा, तो ये सीकेंट होता है। तो यहाँ पे सीकेंट सी एंगल था तो हम बोलेंगे उसको सीकेंट सी। तो क्या हो गया ए बी जो हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए आया था, बी सी जो गीवन था वो हो गया सीकेंट सी के इक्वल, मतलब ए सी जो तो हमें निकालना है ये क्या था बी सी, बी सी की लेंथ कितनी थी 20 सेंटीमीटर, सीकेंट 30 डिग्री क्या है मेरे बच्चे, ये एंगल सी क्या था 30 डिग्री, सीकेंट 30 की वैल्यू पता करनी है अब हमें, वो होती है कॉस 30 की वैल्यू का उल्टा, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, उसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो ए सी की वैल्यू ए सी जो का थे 20 ये रहा, तो इसको 20 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चे 40√3 आ गया, क्यों, क्योंकि 20 की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगी और √3 डिवाइड में रहेगा, ए सी यहीं पर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 40/√3 मीटर। अब हमारे पास ये जो साइड आ गई वो आ गई मेरे बच्चे 40/√3 मीटर। अब देखो अब हम इसकी वेरिफिकेशन जस्टिफिकेशन करेंगे तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलेगा। अब देखो मेरे बच्चे वेरिफिकेशन करने के लिए मेरे को ये तीन साइड मिल गई, एक ये और ये 20 सेंटीमीटर थी। बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम करेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हमने जो साइड निकाली है ना ये दोनों की दोनों अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं तो हम मान लेंगे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही और हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। देखो मेरे बच्चे अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास 40/√3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास 20, तो 20 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस में हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर 20√3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब हमारे को ये वेरिफिकेशन करनी है मेरे बच्चे, हम तो अपना आंसर चेक करना चाहते हैं, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये तो कितना हो जाएगा 1600 डिवाइड में 3, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है मेरे बच्चे अलग अलग से, ये कितना हो जाएगा 400, क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4 और 00 आएगी हमारे पास। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 400/3। अब हम एलसीएम ले लेते हैं मेरे बच्चे, हम एलसीएम लेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ से हमने ये तो लिख लिया ज्यों का त्यों इक्वल टू मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 3 एलसीएम आ गया, इससे करूँगा तो कितना हो जाएगा 1200 प्लस 400, इधर से क्या हो गया 1600/3, इधर से क्या हो जाएगा 1600/3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट्स ऑल। तो हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चे यहाँ पे, हमारे को यहाँ से ये पता चलता है कि जो हमने साइड निकाली है ना ये बिल्कुल सही निकाली है मैंने, देखो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन से ही वेरीफाई नहीं किया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम से वेरीफाई करके दिखाया, किसी अलग ऑपरेशन लगा के मैंने तब वेरीफाई करके दिखाया है। तो इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व होंगे मेरे बच्चे तुम्हारे, अगर तुम्हारे को ये बोल रखा हो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो वो तुम्हारे को इस वाले एंगल की बात करेगा, ये वाला एंगल देगा कि मतलब यहाँ से कुछ इस तरह से तुम्हें एक लाइन लगा लेनी है और तुम्हारे को जो एंगल देगा ना उसी जितने एंगल देगा ये वाला एंगल देगा वो तुम्हें, ये तुम्हारी पैरेलल लाइन हो जाएगी इस बीसी के, ये ट्रांसवर्जल का काम करेगी, ये एंगल और ये एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। तुम्हें एक बार सिर्फ इस अगर ऐसा ही क्वेश्चन है उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, मान लो ये 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा होता तो मैं ये लाइन लगाऊंगा और सीधा मैं क्या कर दूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन ले लूंगा 30 डिग्री, टीचर अपने आप समझ जाएगा कि बच्चे को ये पता है कि डिप्रेशन से एंगल ऑफ एलिवेशन पे हम कैसे आए हैं। तुम्हें डिप्रेशन को सॉल्व नहीं करना, एंगल ऑफ एलिवेशन लेना बार बार हर क्वेश्चन के अंदर, डिप्रेशन आते ही एंगल ऑफ एलिवेशन बना लो उसको, जितने डिग्री का एंगल वो है उतने डिग्री का एंगल इसको बना लो मेरे बच्चे।
आज के लिए इतने मेरे बच्चे, बाकी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते रहेंगे। अगर किसी भी बच्चे को इन क्वेश्चंस में या स्टेटमेंट समझने में प्रॉब्लम आए तो मेरे पास कमेंट या एसएमएस कर देना मेरे बच्चे। ओके मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।